हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको टॉप 5 जो प्लांट्स हैं जो आप बल्ब के थ्रू ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास जो पौधा है उसका नाम है डेलिया। आप यहाँ पर देख सकते हो जो डेलिया का पौधा, ये बहुत ही आसानी से बल्ब से ग्रो कर सकते हैं हम। बल्ब को जब भी हम ग्रो करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसको लिमिटेड वाटरिंग डालें, जिसके साथ उसका जो बल्ब है वो रॉट ना हो और उसके साथ उसकी ग्रोथ है बहुत जल्दी शुरू हो। जैसे दोस्तों, जो डेलिया होता है इसके बल्ब्स आप सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में लगा सकते हैं, जब आपके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाए। और इसको सैंडी सॉइल में लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है। काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, इसमें कोकोपीट डाल देते हैं, पीट मॉस डाल देते हैं। वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोकोपीट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वाटर को होल्ड रखने की, उसके साथ क्या हो सकता है, आपके जो बल्ब्स हैं वो रॉट हो सकते हैं। इसके लिए सिंपल सैंडी सॉइल लें, जिसमें अगर आप पानी ज़्यादा भी डाल दें वो अच्छे से निकल जाएगा और आपका पौधा बहुत बढ़िया तरीके से बाहर आएगा। और इनको ग्रो करने के लिए दोस्तों, हमेशा ये चीज़ देखें कि आपको पॉट रिक्वायरमेंट 8 to 10 inches लेनी है। अगर आप उनसे कम लोगे तो क्या होगा, जो उसके ट्यूबर्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगे। और जो गोबर खाद है, इनकी मेन रिक्वायरमेंट है। जब भी आप इसकी सॉइल प्रिपरेशन करते हो, उसमें गोबर खाद अगर नहीं होगी तो ये डेलिया का पौधा फिर भी ग्रोथ रोक देता है अपनी, और उसके साथ क्या होता है, इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरे पास सभी ये डेलियाज हैं डिफरेंट कलर्स के हैं। ये मैंने सैपलिंग्स लेकर आया था मैं 10 rupees each की, क्योंकि जो बड़े फूलों वाले डेलिया ये हमेशा कटिंग से ही ग्रो किए जाते हैं। और ये आप फ्लावर देख सकते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ा फ्लावर था डेलिया का और ये 2 खिले थे एक टाइम पे। आप देख सकते हैं दोनों का साइज़ सेम है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे से गोबर खाद ऐड की थी, जिसके कारण इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। सभी जो बर्ड्स हैं वो इक्वली अपने फ्लावर्स निकाल रही हैं। और हमारे पास दोस्तों जो नेक्स्ट वन प्लांट है उसका नाम है रेनानक्यूलस। आपने पहले देखा होगा मैंने स्प्राउटिंग दिखाई थी, क्योंकि इसको मैंने बल्ब से भी ग्रो किया है और बीज से भी ग्रो किया है। अगर मैं बात करूँ बल्ब से ग्रो करने के क्या फ़ायदे हैं, बल्ब से ग्रो करने के सबसे बड़ा ये फ़ायदा है दोस्तों, आपको एक की जगह बहुत सारे स्प्राउट्स मिलते हैं। जब हम बल्ब से ग्रो करते हैं उसमें हमें 6 to 7 स्प्राउट्स बहुत आसानी से मिलते हैं। अगर उसमें 4 स्प्राउट्स भी बहुत हेल्दी ग्रो करते हैं तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ऐसी जो मेरे वाले प्लांट्स हैं दोस्तों, सभी बहुत ही ज़्यादा बुशी थे, क्योंकि मैंने मोस्टली बल्ब से ग्रो किए हैं, पर मैंने सीड से भी ग्रो करने की ट्राई की थी। सीड्स में ये फ़ायदा निकला कि हमारे जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स थे वो ज़्यादा बड़े थे एज़ कम्पेयर टू बल्ब्स। वो हो सकता है अगर बल्ब को हम अगर बड़ा पॉट देते तो शायद उसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती, पर बल्ब वालों ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग किया। आप यहाँ पे देख सकते हो सभी मैंने एक जगह पे रखे हैं। और इनकी फ्लावरिंग दोस्तों तभी स्टार्ट होती है जब हमारे यहाँ पे जनवरी के बाद थोड़ी सी धूप निकलने लग जाती है, और उस वक्त ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको भी ग्रो करें। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि जो इसकी बल्ब हैं वो रॉट होने लग जाती हैं। इसके लिए एक दिन पहले इसको फंजीसाइड सोल्यूशन में डिप करके हमें लगाना चाहिए, जिसके साथ इसकी बल्ब हैं वो थोड़ा सा साइज़ में भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, और सेकेंडली आपके फंगस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसको भी आप सैंडी सॉइल में लगा सकते हैं। जब ये स्प्राउट हो जाए आप ट्रांसप्लांटिंग में इसमें गोबर खाद डाल सकते हैं, एंड नॉर्मल गार्डन सॉइल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए 6 to 8 inches का पॉट बेटर रहता है। अगर आप इससे ज़्यादा बड़े से ग्रो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे ना उसका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी जो रूट्स है बहुत छोटी रहती हैं, जिसको हम कॉर्न्स बोलते हैं इसकी बल्ब्स को, और वो छोटे ही रहते हैं, जो कि 7 inches में भी ग्रो करेंगे। जितना आप बड़े पॉट में देखोगे इसका कोई डिफरेंस नहीं होता। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये वाला प्लांट है, ये मैंने सिर्फ 4 inches के पॉट में लगाया हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये है हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट प्लांट जो हम बल्ब से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये वन ऑफ द हार्डी प्लांट है, जिसका नाम है लिलियम। इसको एशियाटिक लिली भी बोला जाता है दोस्तों। अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हो, अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर 30 to 32 degrees Celsius हो गया है तो आप इसको ज़रूर ग्रो करिए। इसकी जो बल्ब मिलती हैं वो ऑलरेडी स्प्राउट मिलती और दोस्तों जो इसकी जो प्राइस होता है वो 40 to 50 rupees में वेरी करता है, आप कौन सी वैरायटी ले रहे हो। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो ये जो इसने फ्लावरिंग दी थी, ये आफ्टर 2.5 months दी थी जब मैंने इसको प्लांट किया था। इसकी ऑलरेडी जब स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, इसके जो लाइट ग्रीन इसका कलर होता है वो धीरे धीरे से बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बल्ब्स ने रूटिंग स्टार्ट कर दी है और ये बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। इसकी भी पॉट रिक्वायरमेंट दोस्तों कुछ खास नहीं होती। अगर आप इसको 8 inches में ग्रो करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये करेगी। अदरवाइज़ अगर आपको ज़्यादा बल्ब्स चाहिए तो आप इसको ज़मीन में ग्रो करिए, जिसके साथ इसके जो पप्स हैं वो ज़्यादा डिवाइड होंगे और आपको 1 बल्ब से 10 बल्ब्स मिल सकती हैं। पर उसका ये एक ड्रॉबैक होता है कि वो 2 साल बाद
बाद जाके फ्लावरिंग करते हैं वो सीधा ही फ्लावरिंग नहीं देंगे, क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 6 इंचज़ के पॉट में लगाया हुआ है, और नेक्स्ट ईयर मैं नए बल्ब्स लूँगा, मैं इनको सेव नहीं करता। अगर चाहे आप कर सकते हैं, बट मैंने इसको कभी सेव नहीं किया। और इसको सेव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप पीट मॉस में इसको सेव कर सकते हैं और कूल प्लेस पर रखें, जिसके साथ इसकी जो ग्रोथ है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और नेक्स्ट ईयर आप इसको लगा सकते हैं। चाहे आप एज इट इज़ इसको अपने नॉर्थ इंडिया में, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं, जिसके साथ ये दोबारा से डिवाइड होती रहती हैं, मल्टीप्लाई होती रहती हैं सॉरी। और ये है हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट वन बल्ब, जिसको कहते हैं ग्लैडियस। ये भी वन ऑफ द हार्डी बल्ब है, और इसका बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ पर फार्मिंग में भी यूज़ होता है, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एक स्टिक पे खिलते हैं, और 10 से 11 फ्लावर्स इसके बहुत ही आसानी से खिल सकते हैं। ये दोस्तों मेरे गार्डन की पिक का, जो मैंने लास्ट ईयर बल्ब्स उगाई थी, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया कलर निकला था। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने इसको ग्रो किया था, ये ग्रो करने से पहले ही अपनी शूट्स को स्टार्ट कर देती है, जो कि ऑलरेडी स्प्राउटेड हो जाती है ये। और इसको ग्रो करने के सैंडी सॉइल लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी आप बल्ब्स की जो प्लांट्स ग्रो करते हो उसको सैंडी सॉइल या पोरस मीडिया रखें, जिसमें पानी नहीं स्टैंड आउट होना चाहिए, या फिर कोकोपीट जैसे मॉइस्चर ज़्यादा स्टोर करती है वैसी चीज़ हमें मीडिया नहीं यूज़ करना, वैसी आप इसको भी लगा सकते हैं। और दोस्तों जो ग्लैडियस होता है, ग्लैडियस में एक चीज़ होती है, अगर आप इसको ज़मीन में लगाओगे, ये एक साल बाद आपको जो दूसरे इसके कॉर्म्स है वो भी फ्लावरिंग करने लग जाते हैं, और वो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग करते हैं, इसलिए आप ग्लैडियस को भी अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट वन बल्ब है उसका नाम है टुलिप। टुलिप भी दोस्तों बहुत ही एक अच्छा फूलों वाला पौधा है, जो कि बल्ब से ग्रो किया जाता है। इसके भी बहुत अच्छे फूल आते हैं, और इसके फूल 7 to 8 days के लिए अच्छे से स्टे कर सकते हैं हमारे यहाँ पे, अगर हम इसकी बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट करें। और दोस्तों आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे अमेजिंग कलर्स आते हैं, डार्क ब्राउन भी इसका एक कलर होता है, जो कि आप परचेज कर सकते हो। और इसको ग्रो करने के लिए सिंपल सॉइल मीडिया लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये ओवर वाटरिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। मैंने इसको एक बार ओवर वाटरिंग कर दी थी, इसने वहाँ पर ग्रोथ अपनी स्टॉप कर दी थी, इवन इसकी फ्लावरिंग भी नहीं हुई थी। इसलिए कभी भी ओवर वाटरिंग इसको ना करें। और इसको ग्रो करने के लिए आप कोई भी पॉट रिक्वायरमेंट ले सकते हैं, 7 to 8 inches बहुत ही आसानी से आप अपने ग्रो कर सकते हैं, और आपका टुलिप का बल्ब बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसको लगाने का सही समय दोस्तों नवंबर का होता है, नवंबर तक अगर आप वेट कर सकते हैं, मिड नवंबर तक, सो ये बहुत बढ़िया तरीके से आपके यहाँ पे ग्रो करेगा। अगर आप गर्मी में ग्रो करोगे तो इसका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा। सो दोस्तों यही थी वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ बल्ब्स के बारे में बताना था, सिर्फ 5 बल्ब्स आपको मैं बता रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ग्रो करके देखी और सही लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड मेरी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके साथ आप अगर मोर अपडेट्स चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।